तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं नई वीडियो में एक और वापस। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं क्विक वेपन स्विच के बारे में, जो गाइस आपके गेम प्ले को सुधारने में काफी ज्यादा मदद करती है। उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, पूरा देखना है। एंड हां, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो, बिकॉज आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड हां, एक सब्सक्राइब हर एक बंदा कर देना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्विक वेपन स्विच का काम क्या है, तो आप बोलोगे इससे सिर्फ मूवमेंट बढ़ता है और ये फालतू। तो हां गाइस, इससे मूवमेंट बढ़ता है बट ये फालतू नहीं है। गाइस ये आपका हेडशॉट को भी काफी इंप्रूव करता है, मूवमेंट को भी काफी इंप्रूव। आपका गेम प्ले सीरियसली राइस्टार पागल एम्प्टर की तरह बना देगा। आप 1v4 काफी इजीली कर सकते हो यार, तो समझ सकते हो यार इसका कितना अच्छा यूज है। तो गाइस इसके बारे में आज आपको बताने वाला, तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कर देना। एंड हां, लाइक जिसने नहीं किया तो कर देना यार। तो बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है एंड क्विक वेपन स्विच को यहाँ पे इनेबल कर लेना है गाइस। और उसके बाद कस्टम एचयूडी में जाके उसको सेट कर लेना जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। तो आपको क्या करना है गाइस, ध्यान से सुनना। तो गाइस मैं आपको फुल डिटेल में बताने हो तो अच्छे से सुन लेना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने किया रोटेशन ड्रैग, उसके बाद वेपन स्विच एंड रन कर दिया। देखो कितना मस्त प्रोफेशनल टाइप का लगा है गाइस। क्या गाइस नहीं समझ में आया, रुको फिर से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको फायर बटन को ड्रैग करना, उसके बाद वेपन स्विच के बटन में क्लिक करना, फिर रन करना है, फिर देखो क्या होता है। एंड उसके बाद एकदम आपका बहुत अच्छा सा हेडशॉट लग जाएगा, जैसे कि आप बैकग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे वन टैप्स मारे जा रहा हूँ। तो जो अपना सेकंड ट्रिक है गाइस, वो है अपना प्रैक्टिस। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ट्रेनिंग ग्राउंड पे, आपका उतना ही गेम प्ले को इम्प्रूव होगा, मतलब उतना ही आपको गेम प्ले को बूस्ट मिलेगा एंड आपका उतना ही मूवमेंट बढ़ेगा एंड हेडशॉट रेट बढ़ेगा। तो गाइस आपको ट्रेनिंग में जाके प्रैक्टिस करना है एंड इस जगह पे जहाँ पे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहीं पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप गाइस टारगेट जोन में मतलब बंदे वाले जोन में जाओगे तो आप मर जाओगे और आप डिमोटिवेट होगे, नहीं करोगे। तो गाइस आपको इसी जोन में प्रैक्टिस करना है। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड हाँ, सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।